चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेटालिक स्क्वायर ऑफ लूप एबीसीडी इज मूविंग इन इट्स ओन प्लेन विथ वेलोसिटी वी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एज शोन इन द फिगर, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, कितना होगा। देखो ए बी एंड सी डी में फील्ड लाइन कट नहीं करेंगे, कट नहीं कर रही, दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, आउटवर्ड, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और BC एंड AD में फील्ड लाइन कट कर रही है, BC और AD में फील्ड लाइन कट कर रही है, जब ये मूव कर रहा है ना राइट साइड में, मोशन की डायरेक्शन राइट साइड में, तो क्या हो रहा है, ये दोनों रॉड्स या दोनों लूप का ये पोर्शन कट कर रहा है, तो इसमें EMF इंड्यूस होगा। अब EMF इंड्यूस होगा तो हाई पोर्शन और हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल किधर होगा, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल जब आप अप्लाई करोगे ना, राइट हैंड थंब रूल, उसमें क्या होगा, थंब मोशन हो रहा है किधर, मोशन हो रहा है राइट साइड में, अगर मैं ऐसे कहूँ ये मेरा हाथ सामने आ जा रहा होगा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, तो फोर फिंगर मैंने अपनी तरफ कर दिया है और थंब को राइट साइड कर दिया है, तो मिडिल फिंगर जो है नीचे की तरफ शो कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कट कर रहा है, इसमें हाई पॉइंट इधर होगा, हाई पॉइंट सी की तरफ होगा, निगेटिव बी पॉइंट पे लो पॉइंट होगा, इसमें भी यहाँ लो इधर हाई, तो यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा निगेटिव इधर होगा, पॉजिटिव इधर होगा निगेटिव इधर होगा, ठीक है याद रहेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो इस EMF इन दोनों में इंड्यूस होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, AD और BC, D वाला ऑप्शन सही है ना, AD और BC वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।